सर्वांना क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। इथं दिसत असलेले आणि न दिसत असलेल्या माझ्या तमाम मित्रांना जय भीम जय भीम जय भीम। देखो राहुल भाई, पहिली मर्तबा ऐसे की शायर के भी दिवाने है। हाँ, लिखाण जे आहे माझ्या हिशोबाने मी एका मिनिटात मी तुम्हाला सांगतो की प्रत्येक जण आपल्या आपल्या धर्मग्रंथानुसार जगतो, पण भारतीय संविधानासारखा उच्च ग्रंथ जगत नाही। याचं कारण असं आहे की भारतीय संविधान जन्म झाल्यापासून नव्हे तर गर्भात असल्यापासून तुमचं संरक्षण करतं। तुम्ही कुणाची इच्छा जरी असेल गर्भपात करायचं तरी संविधान त्याला परवानगी देत नाही। जो बोलते ना एलआयसी का, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, लेकिन भारतीय संविधान जो है विदाउट प्रीमियम जिंदगी के पहले भी जिंदगी के बाद भी है। और बात रही कि एक ख्याल दे रहा हूं कि ज्ञान विज्ञान ईमान लिया है मैंने, अगर अच्छा लगे तो पुरजोर दाद के साथ मैं आपको बस आपसे मुखातिब हूं प्रदीप भाई सौरभ भाई आप सबसे कि ज्ञान विज्ञान ईमान लिया है मैंने, पत्थर छोड़ करके इंसान लिया है मैंने। कि ज्ञान विज्ञान ईमान लिया है मैंने, पत्थर छोड़ करके इंसान लिया है मैंने, गरीबी में मेरे बच्चों के तरक्की के वास्ते दीक्षा भूमि से भारत का संविधान लिया है मैंने। गरीबी में मेरे बच्चों के तरक्की के वास्ते दीक्षा भूमि से भारत का संविधान लिया है मैंने, और चार मिसरे मेरे मां रमा के सिवा ये मुकम्मल हो नहीं सकते, इसलिए चार मिसरे ये भी समाप्त करूं कि ये हकीकत है कोई भी भरम नहीं है। ये राहुल भाई ख्याल देखो भाई कि ये हकीकत है कोई भी भरम नहीं है, प्रणय के जिंदगानी में कोई गम नहीं है, प्रणय के जिंदगानी में कोई गम नहीं है। ये सच है मां रमा तेरा दूध नहीं पिया मैंने, लेकिन महाड़ का पानी तेरे दूध से कम नहीं है। लेकिन महाड़ का पानी, और आप सब जानते हैं कि मैं किस विचारधारा को मैं, और शायद पूरे मुल्क में बदनाम और मशहूर भी इसीलिए हूं कि मैं बेबाकी से बोलता हूं, क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं करता। लेकिन चार मिसरे टाइम कमी होने की वजह से, लेकिन मैं क्या बोलना चाहता हूं आप समझ लीजिएगा कि आबरू इस वतन की हम खोने नहीं देंगे, आबरू इस वतन की हम खोने नहीं देंगे, अब किसी भी कमजोर को रोने नहीं देंगे। कि आबरू इस वतन की हम खोने नहीं देंगे, किसी भी कमजोर को अब रोने नहीं देंगे। भारत अगर माँ है तो संविधान भी बाप है, और हम हमारी माँ को विवाह होने नहीं देंगे, हम हमारी माँ को विवाह होने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने बर्दाश्त किया, और राहुल भाई इतनी दूर से, मेरी बहन विश्वजा भी यहाँ आई है, तो आप फिर एक बार जोरदार तालियों के साथ आयोजक और इन लोगों को सुनिए। मैं तो बहरहाल आपके वतन को फिर कभी सुनूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जय भीम, धन्यवाद।